भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत की तहसील कमेटी द्वारा उप जिलाधिकारी मीरगंज को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 14 बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। गांव रहपुरा के 30 सदस्यों ने भाकियों की सदस्यता भी ग्रहण की। बैठक के दौरान सुधीर वालियान चौधरी, हरवीर सिंह भगवान दास, लाला राम, इश्तियाक अंसारी, छोटे लाल, अरविंद सिंह, सोमवंशी, महावीर सिंह, हरपाल सिंह आदि दर्जनों मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने क्या बताया, आइए जानिए। आज आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, क्या मामला है? आज हमारी भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत है। मैं चौधरी सुधीर कुमार बालियान, तहसील अध्यक्ष वीरगंज बरेली से। आज हमारे यहाँ से एक मुद्दा है भारतीय किसान यूनियन में रायपुरा जागीर का, उसमें करीब 850 बीघे जमीन है जो अवैध तरीके से पूंजीपतियों ने और हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक उसने कब्जा रखी है, जिसमें सन 2000 में फोरन लाल मंत्री थे, उन्होंने जो भी पट्टे थे अवैध तरीके खारिज कर दिए थे। जो ग्राम समाज की जमीन है जिसके पट्टे खारिज हो गए, वह तत्काल किसानों को दे दी जावे या उसमें पुनः किसानों के उससे पट्टे किए जावे जो सही तरीके से है। अगर वह जमीन खारिज ना की गई, अवैध तरीके से जो दबा रखी है उसे हटाया ना गया कब्जा, तो हम 8 दिन बाद यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना भी कर सकते हैं। उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी शासन प्रशासन की होगी। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? मैं चौधरी सुधीर कुमार वालियान, तहसील अध्यक्ष मीरगंज भारतीय किसान यूनियन टिकेत से हूँ। आज हमारे जो यहाँ बैठे हैं, सबसे बड़ी समस्या है रायपुरा जागीर की अवैध कब्जे की। उसमें जो अवैध कब्जा है, हमें जानकारी मिली है कि हमारा जो मौजूदा विधायक है डीसी वर्मा, उसने करीब 800 बीघे जमीन पर ग्राम समाज की जमीन और कुछ लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि 8 दिन में या तो इस समस्या का हल कर दिया जाए, नहीं तो हम तहसील गेट पर धरना दे के बैठ जाएंगे। और जब तक नहीं उठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना होगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो और उच्च स्तरीय जाँच कमेटी गठित नहीं होगी।